कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो फेम एक्टर अतुल परचुरे की रियल लाइफ चाहे कितनी भी हैपनिंग और हंसी ठिठोलियों से भरी लगे, लेकिन रियल लाइफ में वो उतनी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं। अक्सर स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से सभी को हंसाने वाले चेहरे रियल लाइफ में बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। एक्टर अतुल परचुरे को लेकर भी ऐसी ही एक शॉकिंग खबर सामने आई है। अपने जोक से हम सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले अतुल कैंसर से पीड़ित हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया। ई टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में अतुल ने खुद की बीमारी से जुड़ा एक दुखद किस्सा शेयर किया। वो बताते हैं कि मेरी शादी के 25 साल पूरे हुए थे, तो हम जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थे मैं बिल्कुल ठीक था, पर कुछ दिन बाद मुझे खाना खाने में तकलीफ हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तबीयत ज्यादा खराब हुई तो भाई ने मेडिसिन ला कर दी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके आगे अतुल ने कहा कि मैं कई डॉक्टर्स के पास गया। इसके बाद मेरी अल्ट्रासोनोग्राफी भी हुई। इस दौरान मुझे डॉक्टर्स की आंखों में एक डर नजर आया। तभी मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। फिर मुझे पता चला कि मेरे लीवर में करीब 5 सेंटीमीटर लंबा ट्यूमर है जो कैंसर ग्रस्त है। मैंने डॉक्टर्स से पूछा कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। डॉक्टर्स ने यकीन दिलाया कि आगे सब बढ़िया होगा, पर इलाज का मुझ पर उल्टा असर हुआ और हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई। सर्जरी में भी देर हो गई। अतुल ने कहा कि सही वक्त पर बीमारी का पता चल गया था, पर इलाज का पहला प्रोसीजर ही गलत हुआ। इससे मेरी पैनक्रियाज इफेक्टेड हुई, इसलिए तकलीफ भी बढ़ गई। सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मेरी कंडीशन खराब हो चुकी थी। मुझसे ढंग से बात नहीं की जाती थी, बात करते हुए जुबान लड़खड़ाती थी। डॉक्टर्स ने कहा कि इस कंडीशन में मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, अगर अभी सर्जरी हुई तो पीलिया हो सकता है। मेरे लीवर में पानी भरने की वजह से मेरी मौत भी हो सकती है। इसके बाद मैंने डॉक्टर बदला और ढंग से अपना इलाज कराया। फिलहाल आपको बता दें कि अतुल एक पॉपुलर मराठी एक्टर हैं, जो लंबे टाइम तक द कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा कि मैं लंबे टाइम से कपिल शर्मा शो कर रहा था। मुझे सुमोना के फादर की भूमिका के लिए बुलाया गया था, पर कैंसर होने की वजह से मैं नहीं जा सका। अगर कैंसर ना होता तो मैं भी कपिल के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर होता। फिलहाल तो रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलेगा कि मैं पहली तरह ठीक हो पाया हूँ या नहीं। 56 साल के अतुल को कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के अलावा आर के लक्ष्मण की दुनिया, जागो मोहन प्यारे और भागो मोहन प्यारे जैसे शोज के लिए भी जाना जाता है। देखा जाए तो यही जिंदगी की सच्चाई है। स्क्रीन पर चाहे एक्टर्स कितने भी हंस लें और कितनी भी हंसी दिला दें, लेकिन रियल लाइफ के चैलेंजेस को भूलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।